हेलो प्यारे दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा सर्कुलर को जारी कर दिया। दोस्तों आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो सर्कुलर है जो एवरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 और 12 के एवरी स्टूडेंट्स के लिए जो 23 तारीख से शुरू हो रहे कंपार्टमेंट एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 1 पेज 2 पेज और 3 पेज का जो है पूरा सर्कुलर जारी कर दिया है, प्लस आपके रीजनल ऑफिस का जो है यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताया है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर होने वाला है। एवरी स्टूडेंट समझिएगा, आप लोग के कौन से मार्क्स जो है आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से मार्क्स का जो है आपको पेपर देना होगा, तो ये सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे मैं सबसे पहले शॉर्टली मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों अगर आपके रिजल्ट में अगर आरपी लिखा हुआ है, यानी आपका कंपार्टमेंट जो आया हुआ है और आपके जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया हुआ है उस सब्जेक्ट के आगे अगर आरपी लिखा हुआ है, या उस सब्जेक्ट के आगे आपके आरटी लिखा हुआ है, या उस सब्जेक्ट के आगे आरबी लिखा हुआ है, किसी बच्चे का आरपी हो सकता है, किसी बच्चे का आरटी लिखा हो सकता है, किस बच्चे का आरबी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे कमेंट करके बताइए आपके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है। तीनों ही बच्चों के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है यहां पे सर्कुलर में आप लोग के लिए इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि कौन सा मार्क्स जो है आपका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और कौन सा मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने यहां पे बताया है, अगर आपके रिजल्ट में दोस्तों आरपी लिखा हुआ है, अगर आपके रिजल्ट में आरपी लिखा हुआ है तो पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जिस भी सब्जेक्ट के आगे आरपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है दोस्तों कि आपको केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। यहां पे देखिए बोर्ड ने कहा है जिन बच्चों के सब्जेक्ट में आरपी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। थ्योरी के मार्क्स की बात करें तो थ्योरी का पेपर आपको नहीं देना है, थ्योरी का जो आपका मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि जो पहले आपका मार्क्स है उसी मार्क्स को जो है आपका फॉरवर्ड करके आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, फिर दोनों के मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करके टोटल करके आपका रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि आपको थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है। जिन भी बच्चों के अगर रिजल्ट में आरपी लिखा हुआ है, आपके सब्जेक्ट के आगे आरपी लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम नहीं देना है थ्योरी वाला, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, आपका जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है उस सब्जेक्ट के आगे जो है अगर आरबी लिखा हुआ है, आरबी लिखा हुआ है तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके रिजल्ट में आरबी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में जो है आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो इसका मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आगे आरबी लिखा हुआ है आपको दोनों ही एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको शामिल होना है। साथ ही साथ जो थ्योरी का एग्जाम 23 तारीख से होगा, डेट शीट आपके पास है, तो ये दोनों ही एग्जाम में आपको शामिल होना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे आरबी लिखा हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना है और आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना है, लेकिन अगर आरपी लिखा है तो केवल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है। अब हम दोस्तों बात करें तो यहां पे जो है बोर्ड ने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी की है उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट में आरटी लिखा हुआ है। अगर आपके रिजल्ट में आरटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोस्तों क्लियर कट है कि जो आपको डेट शीट मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल थ्योरी का एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल का आपको दोबारा से एग्जाम नहीं देना है। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो आपके पिछले वाले मार्क्स को ही जो है यहां पर ले लिया जाएगा। तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के आगे आरटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके जो पुराने वाले जो नंबर है जो आपके प्रैक्टिकल में दे रखा है स्कूल ने वही मार्क्स को यहां पे ले लिया जाएगा, केवल आपको थ्योरी के एग्जाम में शामिल होना है, तो ये यहां पे ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर दोस्तों यहां पे बोर्ड ने एक डेट भी बताया है, यहां पे देख सकते हैं 23 तारीख से लेकर 30 अगस्त यानी कि 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो सर्कुलर जारी किया गया इसमें कई सारी चीजें बोर्ड ने यहां पे बताया है, आपका जो इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आपके जो एग्जामिनर होंगे वो एक्सटर्नल एग्जामिनर भी होंगे और इंटरनल एग्जामिनर भी होंगे, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था सेम इसी तरीके से इस बार भी आपके एग्जाम्स में एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर दोनों ही आपके सेंटर पे मौजूद होंगे आपके एग्जामिनेशन के दौरान। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। अब दोस्तों यहां पे सीबीएसई बोर्ड ने हर एक रीजनल वाइज जो है यहां पे आपका रीजनल वाइज का जो है कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस जो है यहां पे बताया है बोर्ड ने सर्कुलर में, ताकि वो सभी बच्चे जो देश के अलग अलग कोने में जहां जहां भी रहते हैं वो अपने रीजनल ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी
डाउट होता है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या आपके मन में कोई सा भी सवाल है कि मुझे थ्योरी के एग्जाम से रिलेटेड सवाल हो सकता है या प्रैक्टिकल के एग्जाम से रिलेटेड सवाल हो सकता है, तो आप जो है अपने पास के रीजनल ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हर एक रीजनल वाइज जो है यहाँ पे आपको जो है उनका ईमेल एड्रेस दिया गया है, इन पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं। तो एवरी स्टूडेंट्स देख सकते हैं अजमेर हो गया, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, तो ये सारे देख सकते हैं, दिल्ली ईस्ट हो गया, दिल्ली वेस्ट हो गया, और साथ ही साथ गुवाहाटी, नोएडा, पंचकुला, ये सारे जो है अपने आसपास के जो आप जहां भी रहते हैं जिस भी रीजनल में रहते हैं आपका जो पास का जो भी रीजनल ऑफिस है बोर्ड का वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे देख सकते हैं। बिहार वालों के लिए जो रीजनल ऑफिस है सीबीएसई बोर्ड का वो पटना में है, तो यहां पे देख सकते हैं नोएडा में भी है आपका, यूपी वालों के लिए, साथ ही साथ दिल्ली में जो है दो रीजनल ऑफिस है, ईस्ट में है दिल्ली ईस्ट में और दिल्ली वेस्ट में जो है दूसरा है, साथ ही साथ पुणे में, प्रयागराज यूपी में जो है यहां पर आपका यूपी का प्रयागराज में भी एक रीजनल ऑफिस है। तो ये अपने आसपास जो है आप जहां भी रहते हैं दोस्तों उस अकॉर्डिंग आप यहां पे देख सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप यहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बोर्ड ने आपका यहां पर जो रीजनल वाइज जो है ईमेल एड्रेस को भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों आपको सारी एग्जामिनेशन मटेरियल दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अकाउंटेंसी, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ बेसिक, स्टैंडर्ड, दोनों चीजें मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। साथ ही साथ दोस्तों आज जो है एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि कल काफी सारे रिक्वेस्ट आ गए दोस्तों, तो वो चीजें जो है आज आपको मिल जाएगी। इवनिंग तक जो है वो एक वीडियो आएगा जिसमें सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों कंपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें मैं दोस्तों मैं आप लोग को पूरा हेल्प कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने ये सारे पेपर जो अभी तक मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में पेपर पीडीएफ डाउनलोड करके, एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग इस सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपार्टमेंट से रिलेटेड दोस्तों जो भी अपडेट्स होती है वो सारी अपडेट मैं आपको लगातार इसी तरीके से देता रहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के साथ स्टैंड करता हूं आपके लिए। दोस्तों जो हमारी लड़ाई है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोग के साथ बार बार आपके साथ ये बातें शेयर करता हूं, हम लोग पढ़ेंगे भी और साथ में लड़ेंगे भी। दोस्तों कोर्ट से रिलेटेड जैसे ही अपडेट आएगी, कोर्ट की हियरिंग जैसी होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, क्योंकि कंपार्टमेंट से रिलेटेड सारी अपडेट पे दोस्तों मैं लगातार इसी तरीके से बना हुआ हूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन वाला लिंक जो है वहां पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई सारे जो है कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद।